हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा चिकन करी लेके आई हूँ। अगर आपको इतना तामझाम करने का मन नहीं है और एक स्वादिष्ट रेसिपी चिकन का बनाना है तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल और एक चम्मच घी ले लीजिए। तेल गरम हो जाने के बाद आलू को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। आलू ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन पीसेस को गरम तेल में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब गरम तेल में खड़ा मसाला ऐड करेंगे। सूखी मिर्च, लौंग, हरी और काली इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता। मसाले तड़क जाने के बाद चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। अब एक मिक्सर में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के इसका एक पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लीजिए। एक मिक्सर में 3 मीडियम साइज का टमाटर ऐड करके पेस्ट बना लीजिए। मसाले भून जाने के बाद टमाटो पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। एक बोल में 1/2 कप दही ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए हल्दी, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लीजिए। प्याज लहसुन भून जाने के बाद ये मसाले का थिक पेस्ट ऐड कर दीजिए और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लीजिए। सारे मसाले भून जाने के बाद फ्राई किया हुआ चिकन को ऐड कर दीजिए और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐड कीजिए नमक स्वाद अनुसार। चिकन को ढक के 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। अब ऐड कर दीजिए फ्राई किया हुआ आलू और फिर से इसको 4 मिनट तक ढक के पका लीजिए। थोड़ा सा गरम पानी ऐड करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। ऐड कर दीजिए चॉप किया हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून कसूरी मेथी। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पका लीजिए जब तक चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। चिकन ग्रेवी बन जाने के बाद ऊपर से हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश कीजिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।